कोरोना वायरस इतना खराब नहीं करता जितनी ये 3 दिन में माता कर सकती है। ध्यान रखना, ये ध्यान रखिएगा, आपका इम्यूनिटी का सत्यानाश हो जाता है। जब ये आज मुझे बताइए, स्वस्थ पुरुष या स्त्री दिखाइए मुझे, जो पहले हुआ करती थी। स्वस्थ स्त्री और पुरुष दोनों स्वस्थ 80 साल 90 साल तक भी माता चौकी चलाकर गेहूं पीस देती थी। आज का क्या शास्त्र कहते हैं, और बंधु शास्त्रों ने कहा है, और ये फैक्ट है। ये जो शास्त्रों ने कहा है ये फैक्ट है, तो इसको ऑब्जर्व करना चाहिए। आज समाज के अंदर जो इतनी अस्वस्थ हो रहे हैं लोग, उसका यही कारण है कि इसके दौरान जो माताएं इधर उधर घूमती हैं, इधर उधर जाती हैं, एक बहुत जबरदस्त नेगेटिव एनर्जी रिलीज करती हैं। और ये माताओं के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट भी है कि वो 3 दिन के लिए उनको क्या मिलती है, छुट्टी मिलती है। क्या मिलती है, परंतु वो समझ ही नहीं पाती, बेवकूफ हो गई, उनको समाज ने बेवकूफ बना दिया। नहीं तो महीने में 3 दिन क्या हुआ, आउटकास्ट नहीं हुआ, तो बेवकूफ है जो समझते हैं। अरे 3 दिन आराम से मारा जपो है, 3 दिन मारा जपो, रिलैक्स करो, आराम करो। नहीं पर तो गधी बनना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं तो नहीं कह रहा, दिस वॉज गिव। मैं तो समझता हूँ लोग सोचते हैं ये अभिशाप है, मैं तो कहता हूँ अभिशाप नहीं है, तो बहुत अच्छा है। अगर आपको बोल दिया है 3 दिन तो बैठा रहे, फिर तो सारा फल मिलेगा, उनको खाना भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। परंतु साथ में भगवान ने ये इसलिए लगा दिया कि बेसिकली लोग नहीं जो समझेंगे, इनको बताया जाए कि बेटा ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि लोग डरते हैं जब गड़बड़ बताई जाती है, और ये एक्चुअली में होता है। आज जो आप समाज में आप हेल्थ के अंदर इतनी जबरदस्त प्रॉब्लम जो देख रहे हैं, उसका कारण ये है। और ये पॉसिबल ही नहीं है सैटेलाइट फैमिली के अंदर। जो सैटेलाइट फैमिली कहते हो, जिसमें पति पत्नी अलग होते हैं, अलग रहते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ एक जॉइंट फैमिली में पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वो उसमें बहुत सारी माताएं एक कुछ कुकिंग कर रही हैं, तो एक दो जो मासिक उसमें चली गई, वो कोई ने अलग रह रही हैं, अपना जप कर रही हैं, पढ़ सकती हैं, सुन सकती हैं अध्यात्म के लिए। 3 दिन मिल गए महीने के अंदर आपको एकदम वो कर री एनर्जाइज होने के लिए। उसको पॉजिटिव नहीं देखते, क्या देखते हैं, शोषण की दृष्टि से देखते हैं। ये गलत है, इस बोगस। आप उसको शोषण की दृष्टि से क्यों देखते हो, क्योंकि चक्कर क्या है कि आपने आध्यात्मिक प्रोग्रेस को अपना जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया। अगर भौतिक को बनाया लक्ष्य, तो क्या है प्रभु जी उसके लिए, उसके लिए तो ये 3 दिन बेकार हो गए। मैं अपना काम नहीं कर सकती, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। कोरोना वायरस इतना खराब नहीं करता जितनी ये 3 दिन में माता कर सकती है। ध्यान रखना, ये ध्यान रखिएगा, आपका इम्यूनिटी का सत्यानाश हो जाता है। जब ये आज मुझे बताइए, स्वस्थ पुरुष या स्त्री दिखाइए मुझे, जो पहले हुआ करती थी। स्वस्थ स्त्री और पुरुष दोनों स्वस्थ 80 साल 90 साल तक भी माता चक्की चलाकर गेहूं पीस देती थी। आज का क्या, ये क्या सोचते हो किस लिए हुआ है? अरे पॉल्यूशन आपने घर से शुरू कर दिया। क्या कर दिया, माता मान ही रही कि उसने कहा मरने दो ना, सबको मरते तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा काम तो हो रहा है ना। वो माँ की क्वालिटी खत्म हो गई, ममता खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई, ममता खत्म हो गई। अरे मैंने सोशल सिस्टम को बड़े ध्यान से आध्यात्म की नजरों से देखने की कोशिश करी है कि कहाँ ये कहीं दकियानुसी तो नहीं है, सोच जो है वो नैरो सोच तो नहीं है, नहीं संकीर्ण सोच एकदम नहीं। मैंने देखा, अरे तेरे की माई बच्चे को बोलती है नहीं अलग रख 3 दिन के लिए, नहीं पास पास बता दूंगा, सारे की स्वास्थ्य खराब है। अभी कोरोना वायरस पर रो रहे हो, अरे तुम्हारे तो सबका सबका स्वास्थ्य खराब है, सबका है। बताओ अनन्य भक्ति किसका स्वास्थ्य अच्छा है, क्यों पॉल्यूशन? अरे बेटा तुम्हारे घर बैठे पॉल्यूशन है। तुलसी को तो छू दे जरा, जो 3 दिन की मासी के मर जाएगी तुलसी। मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है बायोलॉजी के अंदर कि बेसिकली जो फ्रॉग का डाइसेक्शन होता था, उसके अंदर जो माता 3 दिन के इसमें होती थी, वो अगर छू दे तो बेचारा फ्रॉग की फ्रॉगी हो जाती थी, वो मर जाता था। परंतु ये अब आपने एक पार्ट देखा, दूसरा पार्ट अगर वो माता स्मार्ट है तो क्या करेगी, माला, भगवान का चर्चा, कीर्तन, आराम। कितना काम करती है माताएं, कम काम करती हैं माताएं, बराबर काम करती हैं, ज्यादा ही करती होंगी। उनको रेस्ट पीरियड मिल गया, क्या मिल गया, रेस्ट पीरियड। वैसे मिलता है, ये पुरुषों की बदमाशी है कि तुम भी बाहर आओ 3 दिन करो ना, तुम गधी थी गधी रहो, मनुष्य क्यों बनना चाहती हो।